आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और अब दूसरे चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है और सभी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र के गांव चंदेला कॉलोनी में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमले किए। जयंत चौधरी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में ही भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। ये गेटवे ऑफ यूपी भी कहलाया जाता है ये क्षेत्र। मुझे उम्मीद है कि ये क्षेत्र अच्छा फैसला लेगा। जिस तरह से पहले चरण में एक सूपड़ा साफ हुआ किसान विरोधियों का, उसी को और गति देंगे। नहीं, अब आ रहे हैं, उनको देखना चाहिए। सड़क मार्ग से आएंगे तो और भी चीज़ देखेंगे कि कितनी कमियां हैं, कितने गड्ढे सड़कों पे हैं। किसानों से मिलें, किसानों को सफाई दें कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से जो उन्होंने योजना की बात की थी, ऐलान किया था, क्यों नहीं बनाई गई। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में आज अनिल प्रताप सिंह ने अपना नामांकन पर्चा वापस लिया है और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रतापगढ़ में बीते 8 फरवरी को राजा अनिल प्रताप सिंह ने नामांकन किया था। राजा अनिल प्रताप सिंह ने कहा कि हाईकमान से टिकट की उम्मीद के कारण नामांकन किया था, इसलिए अब वो सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैंने राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उनके हाथों को मजबूत करने के लिए पार्टी के हित में मैंने अपना पर्चा वापस किया। किस क्या ऐसी क्या बात है जो आपको नामांकन करना पड़ा था? भाई, नामांकन इसलिए करना पड़ा था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे भी मिल जाए सिंपल। हाँ। नहीं हुआ, मैंने नामांकन दाखिल किया, लेकिन जहाँ पार्टी के हित की बात है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, उनको मजबूत करने के लिए मैंने पार्टी हित में मैंने वापस। वहीं सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में पिलखनी में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। समर्थकों की भारी भीड़ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रही। इसके साथ ही मौजूदा सरकार पर ओवैसी जमकर बरसे। ओवैसी ने हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को दलित से भी गरीब बताया। कहा कि अगर आज हिंदुस्तान में कोई सबसे ज्यादा गरीब है तो वह अल्पसंख्यक है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक इंट्रीम ऑर्डर जो दिया है, हमारा मानना यह है कि वो इंट्रीम ऑर्डर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है और पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके अच्छा किया है और हम सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कब सुनेंगे। संविधान स्कूल में कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता है, समझा करिए आप। ये एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। कल आपने नहीं देखा, घूंघट पहन के वोट डाल रही थी महिलाएं, उसको क्या बोलेंगे आप? नहीं सर, योगी अगर नहीं बढ़ता है होमोजीनियस हो जाएंगे क्या? वहीं महाराजगंज के फरेंदा विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी के रूप में ईशु चौरसिया अपनी दावेदारी कर रही हैं। चुनावी मैदान में उतरने के बाद प्रत्याशी ईशु चौरसिया ने प्राइम टीवी के संवाददाता से खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं अजय कुमार अग्रहरी, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज मैं आया हूँ महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा में। फरेंदा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी ईशु चौरसिया जिसे बात करते हैं, किस विकास मुद्दे के कार्यों को लेकर अपने विधानसभा में जाती है। महंगाई और बेरोजगारी के लिए और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए। आपका शिक्षा के ऊपर क्या फोकस रहेगा? शिक्षा तो यहाँ पे जीरो है। अगर प्राइमरी विद्यालय की बात करें, उसके अलावा नवोदय के अलावा हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल भी नहीं है, केंद्रीय विद्यालय, उस पर भी मैं प्रश्न उठाने का सरकार में बात करूंगी। जी मैम, आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए आप अपने विधानसभा में क्या फैसिलिटी देंगे? महिलाओं के लिए पहले तो मुख्य समस्या ये आती है कि यहाँ पे शौचालय नहीं है जगह जगह। मुझे लगता है पिंक शौचालय जगह जगह हर एक ग्राम सभा के बाहर लगभग 100-100 मीटर की दूरी पे होने चाहिए। और आपको गरीबों के लिए क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपके विधानसभा में? गरीबों के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने सालों से जो चीनी मिल बंद पड़ी हुई है,
मुझे लगता है कि अगर विपक्षी अगर इस बात को ना खोले तो इस चीनी मिल का मुद्दा ही नहीं आता है। तो अगर चीनी मिल होती है तो हमारे मजदूर भाई लोग, हमारे मजदूर पिता लोग का बहुत बड़ा सम्मान हो जाएगा यहाँ पे। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने अपने नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन का प्रधानमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से देश में समान नागरिक संहिता कानून बनाकर लागू करने की मांग उठाई गई है। उन्होंने इन दिनों कर्नाटक राज्यों में स्कूल में अपने अपने धर्म के अनुसार परिधान पहनने का मामला गरमाया हुआ है और मुस्लिम धर्म की छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल आने की जिद पर अड़ी हुई है। पूजा शकुन पांडे ने कहा कि जिस तरह से कुछ राजनीतिक लोगों व दलों की ओर से हिजाब पहनने को लेकर मुद्दे को गरमाया जा रहा है, तो ऐसे में हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समान नागरिक संहिता की बात करें। देखिए, जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा गरमाया जा रहा है कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा, दलों द्वारा, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए समान नागरिक संहिता की बात करें, क्योंकि समान नागरिक संहिता ही एकमात्र उपचार है इस देश में इस तरीके की रूढ़वादिता को ख़त्म करने के लिए। मुस्कान जो बच्ची है हमारे लिए बेटी ही है, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी तालीम में कहीं ना कहीं कमी है। ये जो कुरान को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं हिजाब पहना, क्योंकि शिक्षण संस्थान जो हैं वो शैक्षिक समरसता का स्वरूप है, वो एक ऐसे पवित्र स्थान है जहाँ पर बच्चे को सिर्फ शिक्षा दी जाती है। जब शिक्षक जो है मैनिपुलेट नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, डिफ्रेंसिएशन नहीं करता पढ़ाने में कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि ये किस जाति का है, तो ऐसे में परिधान जो है वो भी अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और ऐसे में वो शिक्षण संस्थान ही तय करेगा कि वहाँ पर क्या परिधान होना चाहिए और उसको सबको मान्य होना चाहिए, होना पड़ेगा। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की छात्राओं की तरफ से हिजाब को लेकर उठाए गए सवाल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। प्रदर्शन में छात्र छात्राओं का कहना था कि इस तरह की घटना पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। अब इस पूरे मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया है। ये जो प्रोटेस्ट है ये हिजाब के ऊपर है। जो हिजाब अभी एक लड़की को मतलब एक तरीके से एक आरएसएस वाले गुंडे जो मतलब देश का माहौल बिगाड़े हुए हैं, उस तरीके से ये माहौल जो क्रिएट किया गया है सिर्फ यूपी के चुनाव के लिए किया गया है, और इस चुनाव में शायद बीजेपी फायदा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि लोग सब जानते हैं जो मेन मुद्दे हैं लोगों के, गरीबी, भुखमरी, रोजगारी, नौकरी, ये मेन मुद्दे हैं। ये हिजाब, हिंदू मुस्लिम धर्म से बांट कर ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। संभल के असमोली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने अपना चुनाव प्रचार किया। क्षेत्र के कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं की। हाजी मरगूब आलम ने जनसंपर्क की शुरुआत में कहा कि आप लोग हाथ के पंजे पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने गाँव सिसौना में जबरदस्त रोड शो किया और कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। बस्ती के सदर कोतवाली के करनपुर गांव में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए। जमीनी विवाद में एक किशोर को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। घटना के बाद गंभीर हालत में किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिली कि जलने की वजह से किशोरी की 85% जल गई है। किशोरी की हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की कड़ी कार्रवाई और जांच होगी। मिश्रा और विवेकानंद मिश्रा जो मूल रूप से करनपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी हैं और आपस में सगे पट्टीदार भी हैं, इनके मध्य रास्ते का विवाद और मकान बंटवारे का विवाद चल रहा है, और इस संबंध में सीनियर जज सिविल के यहाँ बंटवारा भी दाखिल है। आज एक पक्ष ने उसमें छज्जा और बारजा निकालना शुरू किया, जिस पर दूसरे पक्ष ने विरोध किया और इसको लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। इसी बीच में एक लड़की जिसका नाम कन्याकुमारी है, वो भी कत्पे परिस्थितियों में जली हुई अवस्था में वहाँ मौके पर मिली है, और जो जिला अस्पताल जिसको लाया गया और वहाँ से गंभीरता के दृष्टिगत उसको मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है।
इनके परिजनों द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में एक FIR थाने पर दी गई है, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और इसमें निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और दोषियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संबल से असमोली विधानसभा से विधायक पिंकी यादव दो बार विधायक रह चुकी हैं। इस बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उनको असमोली विधानसभा का टिकट दिया गया है। जब मूसापुर में विधायक पिंकी यादव पहुंची तो लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, घर घर जाकर वोट मांगे और नुक्कड़ सभाएं की। पिंकी यादव को सोने का मुकुट भी पहनाया गया। इसी के साथ विधायक पिंकी यादव ने लोगों से वोट के लिए खास अपील की है। ये जनता मूसापुर की बहुत प्यार करती है, हमें बहुत मोहब्बत से बहुत सम्मान करती है, जिसके लिए मैं सभी अपने मूसापुर के ग्रामवासियों का, प्रधान जी नूर मोहम्मद साहब, उनके सहयोगी चेयरमैन साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल की गहराइयों से। जनता समझदार है और बहुत अच्छी तरीके से 14 फरवरी के दिन जब मतदान होगा, जिस तरह से प्रथम चरण है, जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम बता रहे हैं कि 10 मार्च के बाद रालोद और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर रहेगी। अयोध्या के बीकापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता कर विधानसभा की जनता से समर्थन करने की अपील की है। किसानों के कल्याण, बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, सरकारी नौकरियों में महिलाओं का उचित आरक्षण की पैरवी करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश यादव ने बीकापुर में कांग्रेस का परचम लहराने का दावा किया। जलालपुर में स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी जो अंतिम समय तक प्रत्याशी घोषित करने में असमंजन की स्थिति में थी, वही कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कई और कांग्रेसी मौके पर मौजूद रहे। 2022 के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनाने जा रहे प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, बदहाल सड़के जो मौजूदा विधायक या जिनके पुत्र किस काम के, अगर उनसे एप्लीकेशन लिखवा लिया जाए, कह दिया जाए लिखाने को, शायद नहीं लिखा पाएंगे। तो ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहती, जनता उनसे ऊब चुकी है। भाजपा से यही बसपा के लोग, ये लोग कहाँ थे जब जुल्म और जाति हो रही थी, जब संघर्ष की जरूरत थी, तो सपा बसपा भाजपा कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ा। और समाजवादी पार्टी तो भाई टिकट के समय आखिरी समय तक वो तो टिकट ही नहीं तय कर पा रहे थे, उनके ये हालात थे। जब वो टिकट के लिए लड़ रहे थे तो आपके लिए कैसे लड़ेंगे, आपके लिए कहाँ संघर्ष करेंगे। तो ऐसे लोगों को जनता समझ चुकी है। बीकापुर में एक कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, उस लहर के तहत कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है भारी बहुमत से। सिद्धार्थनगर में आजाद समाज पार्टी से चौधरी अमर सिंह ने आज अपना नामांकन दर्ज किया। वहीं चौधरी अमर सिंह ने शोहरतगढ़ में पूर्व अपना दल SK विधायक रहे थे, लेकिन अब इन्होंने अपना दल छोड़कर सपा का दामन थामा, जहां से इन्हें निराशा हाथ लगी और जहां पर सपा से इस्तीफा देकर फिर से आजाद समाज पार्टी की सदस्यता लेते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच नामांकन दर्ज कराया। वहीं चौधरी अमर सिंह ने कहा कि अखिलेश ने हमारे साथ धोखा किया है। तो मुझे जानती है, मुझे तो 17 से अपना पहरेदार बनाई है सोहरतगढ़ की जनता, और मैं सरकार में रह करके भी उन तमाम बिंदुओं पर जिनमें विसंगतियां रही भाजपा NDA की सरकार में, उसको लेकर लड़ा हूं मैं। आप तो चौथे स्तंभ से हैं, अब सवाल सब कुछ जानते हैं, जवाब भी आप सुन चुके होंगे कि मैं लड़ा हूं 5 साल लगातार हर मुद्दों पर, आरक्षण के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसान के बिल के मुद्दे पर, और लोनबंदी के मुद्दे पर, उसके बाद लॉकडाउन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर, हमत लड़ा हूँ मैं तो बोला हूँ, और शायद उस पर सरकार विफल नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इनके साथ रह करके जनता के हित की बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, जब वो हारती है तब करती है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों का दमखम खूब दिखाई दे रहा है। वही चुनाव 2022 में सपा पार्टी ने यहां प्रत्याशी के रूप में 3 लोगों को प्रत्याशी बनाया है, जिसमें पहला नाम चौधरी अमर सिंह, दूसरा नाम विभा शुक्ला और तीसरे में नवीन दुबे उर्फ मोनू को प्रत्याशी के रूप में फाइनल किया गया है। जहाँ नवीन दुबे की VIP विधानसभा से उतरते हुए क्षेत्र का विकास करने का वादा किया। नवीन दुबे ने कहा कि 32 साल से बासी विधानसभा का विकास नहीं हुआ है। बासी 32 सालों से बदहाल है। बासी में एक परिवार का एक छत्र राज है, बीच में एक बार कभी रहा है,
लेकिन हम लोग दुदमुहे थे तब से बांसी में एक परिवार का राजतंत्र चलता आ रहा है, जिनकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और बांसी के जनता की जो बेसहारी जनता है, जो बेसहारे लोग हैं, जो अस्पतालों में कोविड के टाइम तड़प रहे लोगों की आवाज़ उस ऊंची दीवार को फांद करके गई नहीं। इसलिए इस बार बांसी की जनता 2022 में बदलाव के मूड में है, निश्चित ही बांसी में बदलाव होगा। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी पवन पटेल ने नामांकन किया। इस दौरान भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन के बाद डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे जेडीयू प्रत्याशी पवन पटेल का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए पवन पटेल ने कहा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हमें चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। डुमरियागंज में 75 साल से ना विकास, शिक्षा, रोजगार और ना ही स्वास्थ्य है। यहाँ पर केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू ने हमको आदेश निर्देशित किया कि आप जाइए और डुमरियागंज में आपको विकास करना है। उनके सिंबल पर मैं जनता यूनाइटेड से आपके तीर के निशान पर मैं नामांकन करके आज आ रहा हूँ। और मैं डुमरियागंज में 75 साल से देख रहा हूँ, यहाँ पे ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है। कई सरकारें आई, कई विधायक एमपी बने, नहीं आज भी काफ़ी समय से कोई सुधारीकरण नहीं हुआ। केवल यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात होती है, उसका कोई विकास की बात नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर विकास की बात हो, यहाँ केवल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार चाहिए, ना कि हमको हिंदू मुसलमान चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और इलाके के लोगों ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एलडी प्रसारण के माध्यम से संबोधन को सुना। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली में शामिल होने के बाद बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी रैली के माध्यम से मतदान के प्रति कार्यकर्ताओं को समझाया। वही केंद्रीय बजट में निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए कई विशेष घोषणा पर भी जानकारी दी है। यहाँ शुकाबाद विधानसभा के कार्यकर्ता भी इस वर्चुअल रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुन रहे हैं। इस रैली का जो उद्देश्य है, चुनावी रैली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर जगह नहीं जा सकते, तो शुकाबाद विधानसभा के लोग उनको अपने स्थान पर ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुन लें, इस निमित्त ये वर्चुअल रैली का आयोजन है। चुनावी प्रक्रिया में हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन दोनों ही इस रैली से होने वाले हैं। शुकाबाद में भी विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश वर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं शुकाबाद की आम जनमानस से, माताओं बहनों से, भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि ओम प्रकाश वर्मा को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आज मोदी जी की महारैली की उसका लाइव टेलीकास्ट उत्तर प्रदेश में हर मंडल स्तर पर दिखाया गया था। एक ऐसा ही आयोजन शुकावर नगर में भी किया गया। यहाँ सभी नगरवासियों ने इकट्ठा होकर मोदी जी की बातों को सुना, क्योंकि भीड़ करने की एक बाध्यता है चुनाव आयोग द्वारा। उस बाध्यता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनेट के द्वारा अलग अलग जगहों पर लोगों तक मोदी जी की बातों को पहुँचाया। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हमने मोदी जी को सुना। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।